किसान भाइयों, हर एक किसान जो अपने खेत के अंदर है डीएपी को दो उद्देश्यों के लिए डालता है, एक तो फास्फोरस की पूर्ति के लिए और दूसरा है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। और जितनी ज्यादा जड़ें विकसित होगी, जितनी ज्यादा जड़ों का विकास होगा, उतना ही ज्यादा जो पौधा है, जो क्रॉप है, आपकी जो फसल है, उसकी जो बढ़वार है, उसकी जो ग्रोथ है, वो उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। जो जड़ से ऊपर का जो हिस्सा होता है वो नाइट्रोजन के कारण से ही फल फूलता है, यानी कि उसका जो विकास है वो पूरी तरीके से नाइट्रोजन के कारण से ही होता है। बीज अंकुरित हो जाए, जब फसल लग जाए, उसके बाद में अपने को डीएपी का उपयोग नहीं करना चाहिए, और जब तक वो जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो उसका फायदा फसल को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, डीएपी का जो उपयोग है आप बिजाई के पहले करें, ना कि बाद में। अगर आप बाद में भी करते हैं तो फास्फोरस का पूरा उपयोग पौधे को, क्रॉप को नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन का तो उपयोग जो है, फायदा जो है वो फसल को मिल जाएगा, लेकिन फास्फोरस का नहीं मिलेगा। वो फास्फोरस का फायदा अगली जो फसल है, जब आप वापस से जो मिट्टी को पलटोगे और जो फास्फोरस जो है वो वापस मिट्टी के अंदर दबेगी, तो वो आने वाली फसल को उसका फायदा मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल CH नोगिया पंवार पर मैं सुरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो चैनल है हमारा खेतीबाड़ी का चैनल है, और इसके ऊपर खेतीबाड़ी की जो चीजें हैं, जो बातें हैं, जो जानकारियां हैं वो शेयर की जाती है, और बहुत ही जो प्रगतिशील किसान होते हैं, अच्छे अच्छे किसान होते हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से परिचय करवाता हूं। जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनको इन वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक लेकर के आता हूं। उनके जो अनुभव हैं, किसानों के जो अनुभव हैं, वो मैं वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं। तो दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आने के ऊपर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ में वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि किसानों के लिए लाभकारी है, किसानों के फायदे की चीज इसमें बताई गई है, तो इस वीडियो को आप शेयर भी जरूर करें। तो किसान भाइयों, आज हम जो मुख्य जो चीज है खेती के अंदर जो काम में आने वाली जो चीज है, डाई अमोनियम फास्फेट के बारे में अपन बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, डाई अमोनियम फास्फेट, जिसे कि अपन डीएपी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, डीएपी जो है हर किसान अपने खेत के अंदर डालता है। यहाँ डीएपी का प्रमोट ना करके किसानों को ये बताना है कि डीएपी वो अपने खेत में कब डाले और कब डीएपी को नहीं डाले। किसान भाइयों, हर एक किसान जो अपने खेत के अंदर है डीएपी को दो उद्देश्यों के लिए डालता है, एक तो फास्फोरस की पूर्ति के लिए और दूसरा है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही जो चीजें हैं ये पौधे की अभिवृद्धि और उसके विकास दोनों के लिए वो आवश्यक होती है। जब अपन फास्फोरस डालते हैं तो फास्फोरस जो है वो पौधे की जो जड़ें हैं, जड़ों का विकास के अंदर सहायक होते हैं, और जितनी ज्यादा जड़ें विकसित होगी, जितनी ज्यादा जड़ों का विकास होगा, उतना ही ज्यादा जो पौधा है, जो क्रॉप है, आपकी जो फसल है, उसकी जो बढ़वार है, उसकी जो ग्रोथ है, वो उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। और दूसरा जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की आवश्यकता भी पौधे को बहुत ही ज्यादा होती है, और नाइट्रोजन के बिना पौधे का पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाता है। जो जड़ से ऊपर का जो हिस्सा होता है वो नाइट्रोजन के कारण से ही फल फूलता है, यानी कि उसका जो विकास है वो पूरी तरीके से नाइट्रोजन के कारण से ही होता है। किसान भाइयों, जो अपन खेत के अंदर डीएपी डालते हैं, डीएपी के अंदर जो दो चीजें होती है, फास्फोरस और नाइट्रोजन, तो फास्फोरस होती है 46% और नाइट्रोजन जो होती है वो होती है 18%। तो किसान भाइयों, डीएपी का अगर आप अपने खेत के अंदर उपयोग करते हैं, तो डीएपी जब अपन खेत के अंदर बिजाई करते हैं, बिजाई के दौरान ही अपने को अपने खेत के अंदर डीएपी का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में जब बीज अंकुरित हो जाए, जब फसल लग जाए, उसके बाद में अपने को डीएपी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो रीजन है वो अभी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। कि दोस्तों, डाई अमोनियम जो फास्फेट है, यानी कि जो उसमें फास्फोरस है, फास्फोरस का जो गुण होता है वो क्या होता है कि वो गतिशील नहीं होता है। जब क्रॉप एक बार लग जाती है, जब बीज अंकुरित हो जाते हैं, जमीन से बाहर निकल आते हैं, और उसके बाद में अगर आप ऊपर से अगर डीएपी छाटने का प्रयास करोगे, तो डीएपी के जो कण होते हैं वो जमीन के ऊपर ही पड़े रह जाएंगे, और जो नाइट्रोजन है वो पानी से घुल करके पेड़ों की जड़ों तक वो तो पहुंच जाएगी, वो तो उसको मिल जाएगी, लेकिन जो फास्फोरस है, फास्फोरस के जो कण होते हैं वो गतिशील नहीं होते हैं, और वो मिट्टी के ऊपर ही पड़े रहेंगे, वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जब तक वो जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो उसका फायदा फसल को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, डीएपी का जो उपयोग है आप बिजाई के पहले करें, ना कि बाद में। अगर आप बाद में भी करते हैं
तो फास्फोरस का पूरा उपयोग पौधे को क्रॉप को नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन का तो उपयोग जो है फायदा जो है वो फसल को मिल जाएगा लेकिन फास्फोरस का नहीं मिलेगा। वो फास्फोरस का फायदा अगली जो फसल है जब आप वापस से जो मिट्टी को पलटोगे और जो फास्फोरस जो है वो वापस मिट्टी के अंदर दबेगी तो वो आने वाली फसल को उसका फायदा मिलेगा, और लेकिन नाइट्रोजन का फायदा उस समय आपको मिल जाएगा। तो इस परिस्थिति के अंदर अगर आपको अपने खेत के अंदर डीएपी का उपयोग करना ही है तो उसकी बजाय डीएपी की बजाय आप उस दरमियान जब आपकी फसल बड़ी हो जाए, जब आपके जो बीज है वो अंकुरित होकर बाहर आ जाए तो उस दरमियान आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों यूरिया का प्रयोग करते समय भी इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें कि यूरिया जितना आपको अपनी फसल के अंदर देना है उस फसल के अंदर जितना आपने को यूरिया देना है उसको आप तीन भागों में बांट लीजिए। जैसा कि उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि मुझे 30 किलो यूरिया मेरे खेत में डालना है तो उसको आप तीन भागों में बांट लीजिए, 10 किलो 10 किलो 10 किलो ऐसे इस तरीके से करके उसको 10-10 के अनुपात में तीन जगह बांट लीजिए और उसको हर 20 दिन बाद में यानी कि प्रथम 20 से 30 दिन के अंदर आप यूरिया का एक हिस्सा डाल सकते हो, फिर आने वाले समय में 20 दिन के बाद में फिर एक हिस्सा यूरिया का फिर डाल सकते हो और फिर जो तीसरा हिस्सा यूरिया का है वो तीसरी बार में आप डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों आप यूरिया का प्रयोग भी इस तरीके से थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर जितना आपको यूरिया डालना है वो एक साथ ना डाल करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको तीन भागों में बांट करके उसको आप डालें तो उसका पूरा और अधिकतम उपयोग आपकी फसल को होगा। तो दोस्तों आज का ये डीएपी के ऊपर और यूरिया के ऊपर जो बना हुआ वीडियो है वो आपको कैसा लगा? अगर आपको लगा कि हाँ इसमें कुछ अच्छी बातें बताई गई है, कुछ सीखने वाली बातें बताई गई है, किसानों को इससे फायदा हो सकता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर किसानों के लिए फायदेमंद चीज है तो इसको आप शेयर भी करें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मैं एक नई जानकारी के साथ में एक नए कृषि विशेषज्ञों को लेकर के एक नए प्रगतिशील किसान को लेकर के मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।